मैं हूं सानिया इदरीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। डोंबिवली मानपाड़ा पुलिस ने बैंक में 30 करोड़ की लूट करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से सबसे मुख्य चोर, जो कि मुमरा शहर का रहने वाला है, जिसका नाम अल्ताफ हुसैन शेख है, वो डोंबिवली MIDC में स्थित ICICI बैंक में चेस लॉकर का काम करता था। अल्ताफ ने अपने ही कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अपनी बैंक में 30 करोड़ की चोरी की। पुलिस के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन में अल्ताफ की बहन नीलोफर का भी नाम शामिल हुआ है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। 30 करोड़ को छुपाने के लिए दोनों ने ही तलोजा में एक फ्लैट बुक किया था, जिसके जरिए पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। मानपाड़ा पुलिस अंतर्गत 13 जुलाई को ICICI बैंक का जो बड़ा चोरी हुआ था, उसमें हमारे इधर 5 एक्यूज को अरेस्ट किया है। उसमें मेन एक्यूज अल्ताफ हुसैन शेख, जो वहाँ चेस लॉकर था, उसको भी अरेस्ट किया है, और उसकी बहन नीलोफर, उसमें उनका सहयोग इन्वेस्टिगेशन में आगे आया, तो उसको भी अरेस्ट किया है हमने। और उनसे आज तक 30 करोड़ के नियर बाय 30 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। सर, नीलोफर का क्या इसमें रोल है? नीलोफर और अल्ताफ, इन्होंने ये सब पैसे उठा के तवजा में एक रूम लेके रखने का प्लानिंग किया था, और वो रूम अल्ताफ और नीलोफर के नाम पे था, और उनको वो रूम उनके नाम पे था, इसलिए उनको वो रूम में सहयोग किया, इसलिए उसको अरेस्ट किया है।